क्लास 4। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का लेक्चर। आपका मैथ का थर्ड टर्म का सिलेबस स्टार्ट है पेज नंबर 95 से। पेज नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। आपको वैल्यूज दी गई है फ्रैक्शन में, उसको आपने चेंज करना है डेसिमल में। तो फ्रैक्शन को चेंज करते हैं डेसिमल में, उसके लिए हमें करना है डिवाइड। डिवाइड में हम नोमिनेटर को रखते हैं डिवाइड के अंदर और डिनोमिनेटर को रखते हैं डिवाइड के बाहर। अब हम जानते हैं कि 4-1 पे डिवाइड नहीं हो सकता, उसके लिए हमें क्या करना होगा, डेसिमल लगाना होगा ऊपर और नीचे हमें देना होगा 1 को 0। तो ये 1 हमारे पास बन गया है 10। अब इस 10 को हम करेंगे 4 पे डिवाइड। तो हमें पता है 4 2s are 8 होते हैं, क्योंकि 4 के टेबल पे 10 नहीं आता, इसलिए इससे छोटी वैल्यू हम लेंगे जो क्या होती है 4 2s are 8। अब हम इसको माइनस करेंगे, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2। हमारे पास चूंकि डेसिमल लगा हुआ है इसलिए हम 2 के बाद 0 लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा 20। अब हम देखते हैं कि 4 के टेबल पे 20 कहाँ आता है, तो 4 5s are 20 होता है, सो 5 यहाँ एंड 20 यहाँ। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बच रहा, तो हमारा आंसर है 0.25, जो कि डेसिमल में चेंज हो गया। बिल्कुल इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी है, उसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, डिवाइड करके इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। नॉमिनेटर हमारे पास 3 है जिसको हमने यहाँ लिखना है, और डिनोमिनेटर हमारे पास 20 है जिसको हमने यहाँ लिखना है। अब हमें पता है कि 20 चीट पर डिवाइड नहीं हो सकता, उसके लिए हमें डेसिमल लगाना होगा और 3 के साथ 0, तो ये बन जाएगा 30। अब हम 20 पे डिवाइड कर सकते हैं 30 को, सो हम करेंगे 21 20। माइनस करते हुए हमारे पास आंसर बचेगा 10। अब हमारे पास डेसिमल है इसलिए हम यहाँ पे एक और 0 लगा सकते हैं। अब ये वैल्यू बन गई है 100। अब हमें पता है कि 25 are 100 होता है, तो यहाँ 100 लगा के जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 बचेगा, तो हमारा आंसर है 0.15, जो कि डेसिमल में चेंज हो गया। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, और दो पार्ट तो मैंने आपको सॉल्व कर दिए, इसके बाकी पार्ट आप लोगों ने नीट नोटबुक पर खुद से सॉल्व करने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, चेंज मिक्स नंबर्स इनटू डेसिमल। अब हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन है जिसको हमने डेसिमल में चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी होल में वैल्यू है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, बाकी जो फ्रैक्शन में वैल्यू है 3/10 इसको हम लोगों ने ऐसे ही डिवाइड कर लेना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था। बिल्कुल वैसे ही नॉमिनेटर हमारे पास 3 है इसको हमने अंदर रखना है, डिनोमिनेटर 10 है इसको हमने बाहर रखना है। फिर से हम इसको डेसिमल लगाकर 0 लगाएंगे, ये बन जाएगा 30, और हमें पता है कि 10 3s are 30 होता है। माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0, और ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आ गई है डेसिमल में वो है 0.3। यहाँ पे हमें अब 0 नहीं लगाना, हमारे पास जो ये वाला 1 था, ये वाला 1 हमें यहाँ पे 0 की जगह लगा देना है, तो हमारा जो डेसिमल में जो मिक्स फ्रैक्शन चेंज हुई है वो 1.3 हुई है। यानी कि 1/3/10 को जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो आंसर आएगा 1.3। क्लियर। इसी तरह से पार्ट डी हम लोग करेंगे। पार्ट बी में भी इस 8 को हमने अभी सॉल्व नहीं करना, जस्ट 1/5 को लेना है और इसको ऐसे ही डिवाइड करके डेसिमल में चेंज कर देना है। नोमिनेटर 1 है जिसको हमने अंदर रखना है, डिनोमिनेटर 5 है जिसको हमने बाहर रखना है। अब हम इसको डेसिमल लगा के 0 देंगे तो ये बन जाएगा 10। अब हमें पता है कि 5 2s are 10 होता है, सो 10 लगाया और माइनस करते हुए हमारे पास 0 आंसर है, और ये जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, 0.2। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी इस 8 को हमने 0 की जगह पे पुट कर देना है, तो हमारी जो मिक्स फ्रैक्शन थी 8 होल 1/5 वो डेसिमल में चेंज हो गए 8.2 हो गए। दिस इज आवर आंसर। इसी तरह इस क्वेश्चन के भी बाकी पार्ट्स आप लोगों ने नीट नोटबुक पर खुद से सॉल्व करने हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 14, राइट दीज इन देयर लोएस्ट फॉर्म। अब हमारे पास डेसिमल फॉर्म दी हुई है और इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो देखते हैं कि इसको किस तरह से लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ पर हमें जो डेसिमल दिया है इस डेसिमल को हमने खत्म करना है, और डेसिमल को खत्म करने के लिए हमने डेसिमल की जगह पे डेसिमल यहाँ पे है ना हमारा, तो इस डेसिमल की जगह पे हम नीचे 1 लिख देंगे और उसके बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 लगा देंगे। अब यहां से हम डेसिमल नहीं लगा रहे, ठीक है, हमने जस्ट 2 वैसे तो वैसे लिख देना है, 6 to 4 वाली वैल्यू ऊपर लिखनी है और लाइन लगा के नीचे डेसिमल की जगह पे 1
और उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरो पुट कर देने। ये हमने इसको चेंज कर दिया सिंपल फॉर्म में, अब हम इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस टू को वैसे ही रहने देना है, इसको नहीं छेड़ना, जस्ट इन वैल्यूज की कटिंग करनी है। हमें पता है टू के टेबल जैसे हम कटिंग कर लेते हैं, टू थ्री जर सिक्स होता है, टू वन जर टू एंड टू टू जर फोर। इसी तरह नीचे भी हम टू के टेबल पे कटिंग करेंगे, टू फाइव जर टेन एंड ये वन दो जीरो वैसे ही आ जाएंगे। अभी भी हमें नजर आ रहा है कि इसकी कटिंग हो सकती है, तो नेक्स्ट स्टेप में फिर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं टू के टेबल पे, ये वाला टू फिर वैसे ही आ जाएगा और इनकी जब कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा टू वन जर टू, और इस वन ने जब एन केरी इसको दी तो ये बन गया इलेवन। अब टू फाइव जर टेन, यहां से फिर एन केरी टू पे आ जाएगी तो ये बन जाएगा ट्वेल्व। तो नाउ टू सिक्स जर ट्वेल्व, और नीचे भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे, टू टू जर फोर, और यहां से एन केरी इसको आएगी तो ये बन जाएगा टेन, टू फाइव जर टेन और ये वाला जीरो वैसे। अभी भी इसकी कटिंग हो रही है, जब तक इसकी कटिंग होती जाएगी हम लोगों ने करते जाना है और इस टू को वैसे ही नीचे लेकर आते जाना है। अब जब इसकी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास है 15, तो टू सेवन जार 15 और एक केरी यहाँ 16 पे चली जाएगी, 6 पे चली जाएगी सॉरी, और ये बन जाएगा 16। टू सेवन जार 14 और टू एट जार 16, बिल्कुल इसी तरह से टू वन जार 2 और टू टू जार 4, फिर यहाँ से केरी इस पर जब जाएगी तो ये बन जाएगा 10 और हमने कर देना इसको टू फाइव जार 10। अभी भी अभी इसकी कटिंग नहीं हो रही है, इसलिए हमारा यही आंसर है और ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। और इसका बी पार्ट है 3.028, तो इसको भी हमने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे इसको किया है। 3 को हमने होल में लिख लेना है, ऊपर वाली वैल्यू को हमने ऊपर लिख लेना है 028, और डेसिमल की जगह पे नीचे हम 1 लगाएंगे और कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं तो फिर से यहाँ 3 जीरो लग जाएंगे। अब हमारे पास जो ये वाला जीरो है ये स्टार्ट में है, इसलिए स्टार्ट वाले जीरो की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती। अगर ये जीरो वन के जीरो की तरह बाद में होता तो फिर इसकी वैल्यू होती, अभी शुरू में तो इसकी वैल्यू कोई है, इसलिए हम इसको रिमूव कर देंगे तो हमारे पास जस्ट 28 बचेगा और नीचे हमारे पास 1000 बच रहा है। इसके भी हम टू के टेबल पे कटिंग कर देते हैं, थ्री वैसे ही लिखेंगे, टू वन जर टू एंड टू फोर जर एट और नीचे हमारे पास टू फाइव जर टेन और ये दो जीरो वैसे ही आ जाएंगे। फिर से हम थ्री वैसे लिखेंगे और इसकी कटिंग फिर हो रही है टू पे, तो हम फिर इसको डिवाइड करते हैं, टू सेवन जर 14, टू टू जर 4, फिर एक के यहाँ पे आएगी ये 10 बन जाएगा, टू फाइव जर 10 और फिर ये वाला जीरो वैसे ही। अब इसकी मजीद कटिंग नहीं हो रही है, इसलिए हमारा यही आंसर है। इसके भी बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने ऐसे ही अपनी नोटबुक्स पर सॉल्व करने हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 6 से मल्टीप्लाई, जो वैल्यू हमारे पास है वो है 38.3, जिसको मल्टीप्लाई करना है हमने 5 के साथ। तो हमें पता है कि हम हमेशा मल्टीप्लाई राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 3 के साथ। तो 5 थ्री जार 15, जिसमें से 5 हमने यहाँ लिखा और 1 के ही इस साइड को दे दी। अब चूंकि दरम्यान में पॉइंट है तो यहाँ पर भी डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद हम 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जार 40, और 40 में जब केरी प्लस होगी तो ये हो जाएगा 41। तो 1 हम यहाँ लगाएंगे और 4 केरी यहाँ। अब हम करेंगे 5 को 3 के साथ, 5 3 जार 15, और 15 में जब 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 90। तो ये हमारा आंसर है 191.5। इसके बाकी पार्ट्स आपने इसी तरह अपनी नीट नोटबुक पर सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड द फॉलोइंग। डिवाइड हमने करना है 240.8, इसको डिवाइड करना है 8 पे, तो करते हैं डिवाइड। हमारे पास वैल्यू है 24, तो जिसको हमने डिवाइड करना है 8 पे, तो 8 पे टेबल गिनेंगे, काउंट करेंगे कि 24 कहाँ पे आता है। हमें पता है कि 8 3 जार 24 होता है, 3 हमने ऊपर लगा लिया और 24 नीचे, जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 बच रहा है और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 0 है और इस 0 को हम ऊपर ले जाएंगे। यहाँ अगर हमारे पास कोई वैल्यू होती तो ये जीरो नीचे आ जाता, जब यहाँ हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बच रही, जस्ट जीरो है, तो फिर इस जीरो को नीचे नहीं लेकर आएंगे बल्कि ऊपर ले जाएंगे। अब ये जो डेसिमल है इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे और इस 8 को नीचे ले आएंगे। अब हमारे पास वैल्यू 8 है जिसको डिवाइड करना है 8 पे,
हमें पता है कि 8 1 सर 8 होता है, तो हमने यहां लगा दिया 1, यहां 8 और माइनस करके 0, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 30.1। इसके भी उसी तरह नीट नोटबुक पर सॉल्व कर लें। फोर्थ क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 124। पेज नंबर 124 में क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कन्वर्ट लीटर इनटू मिलीलीटर्स, तो हमारे पास वैल्यूज दी गई है लीटर में जिसको हमने कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के। तो अब 35 को हमें लीटर में चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 35 लीटर को हमने अगर मिलीलीटर में चेंज करना है तो उसके लिए हम इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 35 लीटर हमारे पास जिसको हमने चेंज करना है मिलीलीटर में, तो हम जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, यानी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो उस तरह से हम अगर 35 को लीटर में चेंज करेंगे तो हमें 35 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम 35 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 35000 आ जाएगा। 35000 के साथ आप लोगों ने मिलीलीटर मेंशन करना है, क्योंकि हमने इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट किया है, इसलिए अभी वैल्यू लीटर नहीं रही, मिलीलीटर बन गई। तो इसके साथ हमने मिलीलीटर मेंशन कर दिया और यही हमारा आंसर है। बिल्कुल इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है 18 लीटर 750 मिलीलीटर। अब 750 वाली जो वैल्यू है वो ऑलरेडी मिलीलीटर में है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट 18 लीटर को हम चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 18 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा मिलीलीटर। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18000, और ये वाला जो 750 होगा इसको वैसे ही इसमें प्लस कर देंगे 750 मिलीलीटर, और इसके साथ भी आ जाएगा मिलीलीटर। अब दोनों वैल्यूज मिलीलीटर में हैं, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 18750 मिलीलीटर, और ये है हमारा आंसर। इसके बाकी पार्ट्स आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर सॉल्व करने हैं खुद। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसको हमने कन्वर्ट करना है लीटर में। अब हमारे पास वैल्यू मिलीलीटर में है जिसको हमने लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 456 डिवाइडेड बाय 1000। पहले वैल्यू हमारे पास लीटर में थी जिसको हमने मिलीलीटर में चेंज करना था, उसके लिए हमने 1000 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, जहां हमने लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना होगा वहां 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जहां हमने मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना होगा वहां हम 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो इसको वैसे ही हमने डिवाइड करना है जैसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए किया था। तो नोमिनेटर हमारे पास जो है वो 456 है जो हम डिवाइड के अंदर रखेंगे, और डिनोमिनेटर जो कि हमारे पास 1000 है उसको हमने डिवाइड के बाहर रखना है। अब हम इसको इस पर डिवाइड नहीं कर सकते, हमें डेसिमल लगाकर जीरो लगाने की जरूरत है। अब जाके ये हमारे पास वैल्यूज पूरी हुई है, अब इसको डिवाइड कर सकते हैं। 1000 4 जार 4000 माइनस करेंगे, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, सिक्स में से जीरो जाएगा तो सिक्स, फाइव में से जीरो तो फाइव आ जाएगा। अब चूंकि हमारे पास डेसिमल लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ जीरो लगा सकते हैं। अब हम 1000 को करेंगे 5 के साथ, 1000 5 जार 5000। फिर हम जब इसको माइनस करेंगे तो जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो, फिर जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो, और सिक्स में से जीरो जाएगा तो सिक्स। अब हम फिर हमारे पास डेसिमल है तो हम यहाँ जीरो लगा सकते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 6000। तो हम इसको कर लेंगे 1000 6 जार 6000, तो माइनस करने से हमारे पास जब जीरो बचेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.456 लीटर। तो इसको हमने लीटर में चेंज कर लिया, यही हमारा आंसर है। और इसके भी बाकी पार्ट्स आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक पर करने हैं। यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 8 डीज। हमारे पास वैल्यू है 55 लीटर 75 मिलीलीटर एंड 100 लीटर एंड 100 मिलीलीटर। इसको हमने ऐड करना है वर्टिकली, पहले हम इसको लिख लेते हैं 55 लीटर 75 मिलीलीटर। नीचे वाली वैल्यू हमारे पास है 100 लीटर एंड 100 मिलीलीटर। इसको हमने करना है प्लस करेंगे, 5 में से 0 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 7 और 0 प्लस करेंगे 7, और 1 का 1 मिलीलीटर साथ वैसे ही हमने लिख देना है।
यहाँ पर भी लीटर वैसे ही लिख देंगे, 5 और 0 को प्लस करेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 और 0 को प्लस करेंगे 5 और ये 1 भी वैसे ही आ जाएगा और ये हमारा आंसर। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, सब्ट्रैक्ट दिस। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 37 लीटर 755 मिलीलीटर फ्रॉम 49 लीटर 500 मिलीलीटर, यानी फ्रॉम के बाद की जो वैल्यू है इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू में से हमने इस वाली वैल्यू को माइनस करना है। तो हम लिख लेते हैं इसको 49 लीटर 500 मिलीलीटर माइनस 37 लीटर 755 मिलीलीटर। अब हम इसको माइनस करेंगे, 5 में से 0 में से तो 5 माइनस नहीं हो सकते, इसलिए हमने यहां से कैरी लेके इसको बनाना है 10, फिर यहां से कैरी लेके इसको बनाना है 10, ये रह जाएगा 9, ये रह जाएगा 4, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, और यहां हमारे पास 4 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम यहां से कैरी लेके इसको देंगे, ये बन जाएगा 14 और ये रह जाएगा 8। तो 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, और ये वाला जो लीटर है वो लीटर वाली वैल्यू के साथ लिखना है और ये जो मिली लीटर है वो मिली लीटर वाली वैल्यू के साथ लिखना है और ये है हमारा आंसर। इसके भी बाकी पार्ट आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक पर सॉल्व करना है।